नरौली में रूपाली अपार्टमेंट के गड्ढे में जानलेवा खतरा, 4 साल से प्रशासन की अनदेखी। आजमगढ़ जिले के सदर सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले में पिछले 4 साल से फैली एक गंभीर समस्या प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो रही है। रूपाली अपार्टमेंट के मालिक विवेक गुप्ता द्वारा भवन निर्माण के नाम पर खोदा गया विशाल गड्ढा अब तक किसी तालाब में तब्दील हो चुका है। बरसात के पानी और मोहल्ले के नाले का गंदा पानी इसमें भर जाने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। गड्ढे से उठती बदबू और गंदगी के चलते इलाके में बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। ये गड्ढा सिर्फ बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि एक जानलेवा खतरे का कारण बन चुका है। पानी से भरे इस गहरे गड्ढे में अगर गलती से कोई बच्चा या तैरना न जानने वाला व्यक्ति गिर जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। ये गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना को खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय सभासद संतोष चौहान ने 15 दिन पहले जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया था, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई। आज भी यह गड्ढा उसी स्थिति में पड़ा हुआ है और स्थानीय निवासियों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इस मामले को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, यह मामला आज मेरे संज्ञान में आया है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि 4 साल से चली आ रही इस समस्या पर पहले कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस गड्ढे में जमा गंदा पानी न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इसके कारण डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मच्छरों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। हालात हर बीतते दिन के साथ और गंभीर होते जा रहे हैं और प्रशासन की अनदेखी इस समस्या को और भयावह बना रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार समय रहते कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यह गड्ढा यूं ही किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता रहेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस बार प्रशासन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगा ताकि उनके बच्चों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस समस्या का अंत कैसे होता है। और हमारे नहरौली मोहल्ले में वहाँ पे रूपाली डेवलपर्स ने कई वर्षों से गड्ढा खोदा है, जिससे करीब वहाँ की आधी आबादी संक्रमित का खतरा बढ़ जाता है और बरसात का मौसम चला, उसको लेके आप किस तरह से देखिए, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, चाहे नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता के दृष्टिगत लगातार साफ सफाई का जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी और ADM वित्त राजस्व जो नगरीय क्षेत्र के प्रभारी है, उनके द्वारा इसकी लगातार निगरानी सुपरविजन भी किया जा रहा है। जो एक स्पेसिफिक केस आपके द्वारा बताया गया, इसको भी तत्काल जरूर दिखवा लिया जाएगा और जो आवश्यक उचित उपाय है वो जरूर किया जाएगा।